दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूँ आपके साथ आफरीन खान। दिल्ली में हुए कंझावला मामले की गुत्थी अब तक अनसुलझी है और पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में अब तक असमर्थ नजर आ रही है। लगातार इस मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ये मामला रोजाना नए नए मोड़ ले रहा है। हाल ही में इस मामले में एक नया खुलासा देखने को मिला है। आपको बता दें कि अंजलि की दोस्त निधि ने कुछ खुलासे किए थे। निधि ने कहा था जिस रात का ये वाकया है उस रात अंजलि ने शराब का सेवन किया था। हालांकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर निधि ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, आखिर निधि और इन लोगों के बयान जो हैं आपस में मैच क्यों नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक नया ट्वीट किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस से ये मामला लेकर सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि दिल्ली पुलिस को जिन धाराओं में इस केस को दर्ज करना चाहिए था दिल्ली पुलिस ने वो नहीं किया, साथ ही इस मामले की जिस तरीके से जांच की जा रही है वो भी ठीक नहीं है। यानी कि आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का कहना है कि दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से मामले की जांच करनी चाहिए दिल्ली पुलिस उस तरीके से नहीं कर रही है। इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने अपने कुछ पक्ष रखे हैं, अब आपको बताते हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात, स्वाति मालीवाल ने ये कही कि इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को FIR में 302 की धारा दर्ज करनी चाहिए थी जो कि अब तक नहीं की गई। इसके अलावा निधि इस मामले की एक लौती चश्मदीद गवाह है और निधि के फोन से कई सुराग मिल सकते हैं, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने निधि का फोन लेकर उसकी जांच पड़ताल नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी जो लापरवाही है वो इस मामले में क्यों कर रही है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली पुलिस से लेकर इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि ट्वीट करते हुए उन्होंने जो वीडियो पोस्ट की है उसमें क्या कुछ कहा है, उनकी जुबानी सुनिए। आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जाँच करी है तो उनकी जाँच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, FSL में नहीं भेजा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हमें ये पता चली है कि जो CCTV फुटेज है पूरे एरिया में, चाहे वो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच हो जहां पे अंजलि को घसीटा गया या वो ओयो होटल से लेकर एक्सीडेंट साइट तक का पूरा जो CCTV फुटेज है, वो सारे के सारे CCTV कैमरा अभी खंगाले नहीं गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग अभी दिल्ली पुलिस द्वारा ली नहीं गई है। उनमें से कुछ CCTV कैमराज ही दिल्ली पुलिस ने देखे हैं। मेरे हिसाब से ये भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, जितने भी आई विटनेसेस हैं उन सबके 164 स्टेटमेंट नहीं हुए हैं अभी तक। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सारे आई विटनेसेस के इमीडिएट 164 स्टेटमेंट होने चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली पुलिस का रवैया इस केस के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रश्न रेज करने वाला रवैया रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि 2:22 पर पहला कॉल आया था उनके पास PCR पे, जिसने बताया, आई विटनेस ने बताया कि एक लड़की गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, उसे घसीट के गाड़ी लेके जा रही है, पर 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस ने इस केस पे कोई कार्यवाही नहीं करी। और जब 4:15 बजे एक और कॉल आई PCR पे जिसने बताया कि लड़की की लाश नग्न पड़ी है, तब जाके PCR वहां पे पहुंचती है। तो मेरे हिसाब से जो ये ऑफिसर्स हैं जिनकी गलती थी उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको सस्पेंड करना चाहिए और ये पूरा का पूरा केस CBI को ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला सुलझने में कितना समय लगेगा, आखिर क्यों दिल्ली पुलिस अब तक इस मामले के सभी पहलुओं को जुटाने में असमर्थ है, आखिर क्यों अब तक इस मामले की जो जांच है वो जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही। क्या ये मामला दिल्ली पुलिस से लेकर CBI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? और अब देखना होगा कि आखिर ये जो गुत्थी अब तक उलझी थी ये वाकई में एक हादसा है या फिर किसी की साजिश।
इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस खबर में इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।